स्वागत है आपका रेडियो फूड जंक्शन में। आज हम बनाएंगे भिंडी की एकदम नई चटपटी सी रेसिपी। इसे बनाने के लिए भिंडी को अच्छे से धोकर थोड़ा सुखाकर और इस तरीके से टुकड़ों में काट लिया है, और प्याज को भी चार टुकड़ों में काटकर इस तरीके से मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिया और बीच वाले पार्ट को बारीक काट कर ले लिया है। दो तरीके से लिया है प्याज को काट कर। अब कढ़ाई में डालते हैं थोड़ा सा ऑयल और डालेंगे इसमें हम ये अपनी कटी हुई भिंडी। भिंडी को हमें ऑयल में फ्राई करके थोड़ा सा निकाल लेना है, और इसे फ्राई करते समय हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि भिंडी फीकी ना लगे। तो बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना, पर थोड़ा सा हमें इसे फ्राई करके निकाल लेना है। और भिंडी की बहुत सारी रेसिपी आपने बनाई होगी, एक बार इस तरीके से ज़रूर ये भिंडी की सब्जी बना करके देखिए। बहुत ही गजब की टेस्टी, बहुत ही चटपटी सी ये रेसिपी बनती है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो पूरी रेसिपी को समझने के लिए पूरी वीडियो ज़रूर देखिए। हम बना रहे हैं भिंडी की एकदम नई चटपटी सी रेसिपी। तो हो चुकी है भिंडी हमारी फ्राई, निकाल लेते हैं इसे एक प्लेट में। अब करते हैं इसकी आगे की तैयारी। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सी रेसिपी, पर बहुत ही गजब की टेस्टी चटपटी सी बनती है। उसी कढ़ाई में डाल दिया है थोड़ा सा और ऑयल, और डाल दिया थोड़ा सा जीरे का तड़का और तीन चार कली लहसुन को इस तरीके से काट करके। जब ये जीरा और लहसुन थोड़ा सा ही पक जाए, हम इसमें डाल देंगे ये बारीक कटा हुआ प्याज। तीन से चार प्याज लिए मैंने, उसे मोटे टुकड़ों में काट कर उसे अलग अलग निकाल लिया है मोटा वाला टुकड़ा, और बाकी का जो बीच वाला पार्ट है उसे बीच इसे इस तरीके से बारीक से काट कर ले लिया है। तब प्याज थोड़ा सा भुन जाए तब हम इसमें डाल देंगे ये दो कटा हुआ टमाटर, और इसे भी हम भून लेंगे प्याज के साथ ही। वैसे तो भिंडी की भुजिया, भिंडी की सब्जी बनाते ही रहते हैं, एक बार इस तरीके से भी ज़रूर आप बना करके देखिए। बहुत ही चटपटी सी ये रेसिपी बनती है भिंडी की, और बहुत ही आसान भी है इसे बनाना। भिंडी में बिल्कुल अंदर तक मसाला लग जाता है, जिससे कि भिंडी बिल्कुल भी फीकी नहीं लगती और बहुत ही टेस्टी सी बनती है। तो जब प्याज टमाटर थोड़ा सा भुन जाए, हम इसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार मसाले। लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा सब्जी मसाला भी, जो कि इसके स्वाद को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। तो डाल दिया है मैंने इसमें सभी मसाला, इसे करेंगे मिक्स। और अब हम मसाले के लिए भी नमक इसी समय डाल देंगे, क्योंकि भिंडी में तो हमने उसे फ्राई करते समय ही थोड़ा सा नमक डाल दिया था भिंडी के स्वाद के अनुसार। अब डाल देते हैं मसाले के लिए भी हम नमक, और इसे हम मसाले को बिल्कुल स्लो फ्लेम पर एक दो मिनट के लिए थोड़ा सा भून लेंगे। जब ये मसाला सारा अच्छे से भुन जाए, तब हम इसमें डाल देंगे ये मोटे टुकड़ों में कटा हुआ प्याज। इसे प्याज को बिल्कुल अलग अलग करके निकाल लिया है, और इस तरीके से जब हम प्याज डाल करके भिंडी बनाते हैं, बहुत ही टेस्टी सी सब्जी बनती है भिंडी की। प्याज को आप चाहे तो पहले थोड़ा सा फ्राई करके भी निकाल सकते हैं, पर इस तरीके से मसाले में डालकर फ्राई करने से भी ये थोड़ी सी पक जाती है, क्योंकि हमें इस रेसिपी के लिए प्याज को बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। प्याज में थोड़ा सा ये कच्चापन सा रहता है, हल्का सा क्रंच, जो इस रेसिपी में बहुत ही अच्छा सा टेस्ट देता है। तो मसाले के साथ हम भून लेंगे प्याज को एक दो मिनट के लिए, और जब प्याज थोड़ी सी भुन जाए, तब हम इसमें डाल देंगे ये फ्राई करके रखी हुई भिंडी। तो डाल दिया है हमने इसमें भिंडी को भी, और सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे, और बस दो से तीन मिनट के लिए इसे और हम हल्का सा भून लेंगे। तो है ना ये भिंडी की बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सी रेसिपी, पर इस तरीके से जब आप भिंडी को बनाते हैं, इसमें अच्छे से मसाले लिपट जाते हैं, और प्याज का जो इसमें थोड़ा सा क्रंच रहता है, इससे ये सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में। और इसे दो तीन मिनट भूनने के बाद ही रेडी है हमारी भिंडी की बहुत ही चटपटी सी एकदम नई रेसिपी। तो ज़रूर आप एक बार इस तरीके से बना करके देखिए। रेडी हो चुकी है हमारी भिंडी की चटपटी सी सब्जी या भुजिया, जो भी आप इसे कहें, और आप इसे सर्व कर सकते हैं रोटी, पूरी, पराठे, चावल, किसी भी चीज़ के साथ, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो निकाल लेते हैं इसे एक प्लेट में। आप इसे भिंडी दो प्याज़ा कह सकते हैं, भिंडी की भुजिया कह सकते हैं। बस रेडी हो चुकी है हमारी ये चटपटी सी रेसिपी, जो कि बहुत ही आसानी से बनती है और बहुत ही गजब की टेस्टी होती है। रेसिपी लगी हो अच्छी तो प्लीज़ कीजिए वीडियो को एक लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब रोज़ एक नई रेसिपी के लिए, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।